हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 6 सितंबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संशोधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लिए दिशा निर्देश किसके द्वारा जारी किया गया है? चार ऑप्शन है, वित्त आयोग, सूचना आयोग, RBI, FICCI। सही आंसर है सी, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशा निर्देश की व्यापक समीक्षा की गई है। इसकी समीक्षा उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने और समावेशी विकास पर गहन ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई है। नए दिशा निर्देश ऋण की कमी वाले क्षेत्रों में ऋण गति को बेहतर करने, छोटे सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों को उधार देने में वृद्धि करेंगे। साथ ही यह नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए ऋण को बढ़ावा देगा। इस संशोधित दिशा निर्देशों में प्राथमिकताओं प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए पात्र कुछ नई श्रेणियों को भी शामिल किया गया है। इसमें सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को ऋण शामिल है और कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण और स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ रुपए तक का बैंक वित्त भी शामिल है। संशोधित PSL दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए पहचान किए गए जिलों में वृद्धिशील प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण को उच्च प्राथमिकता दी गई है, जहाँ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है। छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है। किसान उत्पादक संगठनों, किसान उत्पादक कंपनियों के लिए उच्च ऋण सीमा को पूर्व निर्धारित मूल्य पर अपनी उपज के सुनिश्चित विपणन के साथ खेती करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा दोगुनी कर दी गई है। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भी ऋण सीमा दोगुनी कर दी गई है। अब RBI के बारे में जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसके 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच इंदिरा नेवी द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है? चार ऑप्शन है, रूस, अमेरिका, जापान, चीन। सही आंसर है ए, रूस। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक रूप से होने वाला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण हुआ है। द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया है। समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी दोनों नौसेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध का प्रतीक है। इंदिरा नेवी 20 अभ्यास दो देशों के नौसेनाओं द्वारा बनाए अंतर संचालन को मजबूत करने का प्रयास करता है। भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह हैं। अब रूस के बारे में जानते हैं। रूस पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित एक विशाल आकार वाला देश है। यह क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी मॉस्को है। रूस की मुख्य और राजभाषा रूसी है और यहाँ की मुद्रा रूबल है। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और प्रधानमंत्री हैं दमित्री मेदवेदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में आई रखवाली ऐप लॉन्च किया गया है? चार ऑप्शन है, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। सही आंसर है ए, पंजाब। पंजाब राज्य में आई रखवाली ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप राज्य में हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया है। आई रखवाली ऐप लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर्स बनने के लिए भी प्रेरित करेगा। इस ऐप का इस्तेमाल पेड़ों की अवैध कटाई के साथ साथ जंगलों को किसी भी नुकसान की सूचना संबंधित वन प्रभागीय अधिकारी के संज्ञान में मामला लाने के लिए भी किया जा सकता है। अब पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य है। इसके उत्तर में जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में हरियाणा, चंडीगढ़ और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, जो कि हरियाणा राज्य की भी राजधानी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, 3 सितंबर, 4 सितंबर,
5 सितंबर, 6 सितंबर। सही आंसर है सी, 5 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मतलब अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को मदद करने, सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही यह दिन मानवीय संकटों और राष्ट्र के भीतर मानवीय पीड़ा को कम करने में दान द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को भी चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 5 सितंबर को मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, सुरेश प्रभु, आर के सिंह, के वाई पाटिल। सही आंसर है सी, आर के सिंह। केंद्रीय विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है। यह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्व मार्केट का पहला विशेष उत्पाद है और यह अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? 4 ऑप्शन है, 1845, 1849, 1851, 1853। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, अशोक मल्होत्रा, राज श्रीवास्तव, राजीव कुमार, विवेक कांगली। सही आंसर है बी, राज श्रीवास्तव। केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1997 बैच के IFS अधिकारी हैं। वह वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। अब क्रोएशिया के बारे में जानते हैं। क्रोएशिया दक्षिण पूर्व और भूमध्य सागर के बीच बसा एक देश है। देश की राजधानी और पश्चिमी किनारा एड्रियाटिक सागर से मिलता है। इसकी राजधानी जागरेब है और मुद्रा क्रोएशियाई कुना है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज अलियांज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सोनम कपूर, आयुष्मान खुराना। सही आंसर है डी, आयुष्मान खुराना। जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आयुष्मान जीवन बीमाकर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसके उत्पादों के साथ साथ बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार करेंगे। साथ ही वो जीवन बीमा कंपनी के आगामी अभियान स्मार्ट लिविंग का हिस्सा भी होंगे। बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के MD और CEO तरुण चुग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र कहाँ बनेगा? 4 ऑप्शन है, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। सही आंसर है ए, जयपुर। भारत का चुनाव आयोग राजस्थान के जयपुर में देश का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र स्थापित करेगा। यह 4 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश को पूरा करेगा। यह केंद्र व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों को अंजाम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? 4 ऑप्शन है, राजनाथ सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी। सही आंसर है बी, प्रहलाद सिंह पटेल। रूस की अध्यक्षता में 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। इसमें केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। बैठक के प्रतिभागियों ने ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक क्षेत्र पर महामारी की स्थिति के प्रभाव पर विचार विमर्श किया। साथ ही इसमें ब्रिक्स के भीतर संयुक्त सांस्कृतिक ऑनलाइन परियोजनाओं के संभावित कार्यान्वयन की भी समीक्षा की। 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में ब्राजील, भारत, चाइना, रूस और दक्षिण अफ्रीका के संस्कृति मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बो टॉप स्पोर्ट्स बुक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, क्रिस गेल, आंद्रे रशल, विराट कोहली, ड्वेन ब्रावो। सही आंसर है डी, ड्वेन ब्रावो। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो एस्बो टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर बन गए हैं। आइल ऑफ मैन बैटिंग ग्रुप सेल्टन मैनक्स ने ड्वेन ब्रावो को अपनी प्रमुख स्पोर्ट्स बुक के लिए एम्बेसडर बनाया है। ड्वेन ब्रावो वेस्टइंडीज के लिए 256 टेस्ट और 120 वनडे मैच खेले हैं और उन्हें खेल के सबसे बेहतर ऑलराउंडर्स में से एक माना जाता है।
दोस्तों कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी। चार ऑप्शन दिए गए थे जिनमें राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, इंद्र सभा, कर्मा। इसका सही आंसर है बी, आलम आरा। आलम आरा 1931 में बनी हिंदी भाषा और भारत की पहली बोलती फिल्म थी। इस फिल्म के निर्देशक आदर्शील ईरानी हैं। ईरानी ने सिनेमा में ध्वनि के महत्व को समझते हुए आलम आरा को और कई समकालीन बोलती फिल्मों से पहले पूरा किया। आलम आरा का पहला प्रदर्शन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 को हुआ था। यह पहली भारतीय बोलती फिल्म इतनी लोकप्रिय हुई कि पुलिस को भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए सहायता बुलानी पड़ी थी। आलम आरा एक राजकुमार और बंजारन लड़की की प्रेम कथा है। यह जोसेफ डेविड द्वारा लिखित एक पारसी नाटक पर आधारित है। आज का क्वेश्चन मैं पहले पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।